गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लास सेवेंथ में भी हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट या डेजर्ट में किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ग्रासलैंड में किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, है ना। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि उनका कंजर्वेशन कैसे, उनका प्लांट्स और एनिमल्स का हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अलॉन्ग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। वाइड वेराइटी प्लांट्स और एनिमल्स की वाइड वेराइटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एक पर्टिकुलर रीजन में जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे हम कैसे हमने पढ़ा था सेवेंथ क्लास में भी, तो हम कह सकते हैं कि डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी या ग्रासलैंड की या रेन फॉरेस्ट की हर जगह के पर्टिकुलर एक प्लेस की बायोडाइवर्सिटी दूसरे प्लेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारे अर्थ पर अबाउट 10 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स की रहती है ना, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल इंक्लूड है ना। इनके हमारे अर्थ की इतनी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 मिलियन ऑफ देम के बारे में पता है, बाकी 8 मिलियन स्पीशीज के बारे में अभी जानना बाकी है। तो द अर्थ इन विच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और उनकी लाइफ को सपोर्ट मिलता है, जैसे एयर मिल रही है, फूड मिल रहा है, रहने को स्पेस मिल रहा है, चाहे वो एक्वेटिक पानी में हो, चाहे एयर में हो, चाहे लैंड पे हो, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो अभी तक हमने दो टर्म जाना है, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर। अब बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए कौन कौन सी डेफिनेशंस को जानना जरूरी है, आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले स्पीशीज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ। किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप का, है ना, जो एक ग्रुप है जिसमें कॉमन कैरेक्टर है और जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल यानी प्लांट और एनिमल्स के, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। जैसे अगर हम बात करते हैं डॉग की, तो हमें एक कॉमन कैरेक्टर याद आता है, एक एनिमल स्टीप पे या घरों में जिनके 4 लेग्स हैं, है ना, ऐसे ऐसा सच सच उनके कैरेक्टर्स हैं। तो वो पूरा जो ग्रुप होगा प्लांट्स और एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनको हम क्या कहेंगे, स्पीशीज। दूसरा हमारा आता है इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। इकोसिस्टम में क्या आएगा, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले हैं, और इसके साथ ये तो लिविंग थिंग हो गए, इसके साथ साथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट जैसे क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, ये सब मिला करके एक पर्टिकुलर एरिया का जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों एनवायरनमेंट मिला करके, इनको हम क्या कहते हैं, एन इकोसिस्टम। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोटिक कम्युनिटी एंड एन अबायोटिक एनवायरनमेंट। मतलब बायोटिक क्या हो गया, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक क्या हो गया, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट एक्स्ट्रा। तो ये हमारा एक और डेफिनेशन हमारी हुई इकोसिस्टम। और थर्ड वन इज हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है, द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेस और एनिमल स्पीशीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट किसी भी जगह का नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें कि प्लांट और एनिमल रहते हैं और वहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने नंबर बढ़ाते हैं, उस नेचुरल एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो हमने ये अभी बायोडाइवर्सिटी
बायोस्फीयर, स्पीशीज, इकोसिस्टम एंड हैबिटेट, इतनी डेफिनेशंस का हमने पढ़ा है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? इन्वायरमेंट में स्पीशीज के एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट को मेंटेन करता है, इन्वायरमेंट अराउंड अस को मेंटेन। जैसे हमें फूड के लिए प्लांट और एनिमल पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्लॉथ के लिए, मेडिसिन के लिए, है ना, मीट। अब फूड चाहे वो प्लांट वाले हों चाहे वो एनिमल वाले हों, तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसी तरह प्लांट हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम करती है।